नमस्कार, मैं अमित त्यागी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए बहुत सारे नियम बदल चुके हैं, इन्हीं में से एक नियम है CKYC। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए 16 अक्टूबर से CKYC मैंडेटरी हो गया है, यानी कि अब आपको बार बार पॉलिसी लेने के लिए बार बार CKYC करने की जरूरत नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम CKYC के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि CKYC क्या है, CKYC की विशेषताएं क्या है, CKYC कैसे किया जा सकता है, CKYC के लाभ क्या है, CKYC नंबर को कैसे जनरेट करें। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी कस्टमर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए जाते हैं, तो अब आपको हर एक कस्टमर का CKYC कराना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं CKYC। 16 अक्टूबर से हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए CKYC कंपलसरी हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो उससे पहले उसको CKYC कराना जरूरी होगा। CKYC ने KYC प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बना दिया है, जिससे वित्तीय संस्थानों और ग्राहक दोनों को लाभ होता है। पहले डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, बैंक इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती थी तो आपको बार बार KYC करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार CKYC करा लिया है तो बार बार आपको अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने एक कस्टमर का बीमा आज किया है और अगले साल फिर आप उस कस्टमर का बीमा करते थे तो आपको बार बार CKYC करानी पड़ती थी, यानी कि कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड जरूर लेना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस कस्टमर की कितनी बार भी पॉलिसी करेंगे तो आपने अगर एक बार उसकी KYC कर दी है तो आपको बार बार KYC कराने की जरूरत नहीं होगी। जब आपकी CKYC कंप्लीट हो जाती है तो आपको 14 डिजिट का CKYC नंबर अलॉट किया जाता है। उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल फॉर्म में ये CKYC नंबर फिल करना होगा। जैसे अगर आपको उसका डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वही CKYC नंबर काम आ जाएगा। उसका अगर अकाउंट ओपन करना है तो सेम वही CKYC नंबर उसका आप फिल कर सकते हैं। CKYC यानी कि सेंट्रल KYC का पूरा नाम सेंट्रल नो योर कस्टमर है। यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है जिसे भारत सरकार ने KYC प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए शुरू किया है। CKYC का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की जानकारी को एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में सुरक्षित करना है और इसे वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करना है, ताकि ग्राहक को बार बार CKYC दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता ना हो। अब समझते हैं CKYC की विशेषताएं क्या है। केंद्रीकृत डाटाबेस यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस तैयार हो रहा है। CKYC का डाटाबेस केंद्रीकृत होता है, जिसे केंद्रीय KYC रजिस्ट्री CKYC-R द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह रजिस्ट्री भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI और RBI जैसे नियामकों के अधीन कार्य करती है। एक बार की प्रक्रिया, ग्राहक को केवल एक बार अपने KYC दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद ग्राहक का CKYC नंबर जारी किया जाता है, जिसे किसी भी वित्तीय संस्थान में उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड KYC प्रणाली में ग्राहकों की जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहित की जाती है, जिससे वित्तीय संस्थानों को तेजी से और सुरक्षित तरीके से KYC जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। CKYC डाटा उच्च स्तर की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ संग्रहित किया जाता है, ताकि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे, यानी कि आपका डाटा लीक ना हो। सभी वित्तीय उत्पादों के लिए उपयोगी है ये। आप कोई भी अगर वित्तीय उत्पाद खरीद रहे हैं तो उसके लिए CKYC जरूरी है। CKYC नंबर सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, बीमा पॉलिसी खरीदना आदि। अब CKYC की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप CKYC करा सकते हैं। ग्राहक को अपनी पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और पते के प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
ग्राहक को CKYC फॉर्म भरना होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। भरे हुए फॉर्म को दस्तावेज को किसी भी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस या फिर बीमा कंपनी में जमा करना होता है। वित्तीय संस्थान द्वारा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है। सत्यापन के बाद ग्राहक को एक अद्वितीय CKYC नंबर जारी किया जाता है जिसे भविष्य में KYC प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं CKYC के लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है आसानी, यानी कि सुविधा आपको मिलती है। ग्राहक को बार बार KYC प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर भी इरिटेट हो जाता था बार बार अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को देने के लिए। अगर उस कस्टमर की आपने 5 बार पॉलिसी की है तो 5 बार आपको बार बार उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, उससे लेने होते थे, तो कस्टमर कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता था। एक बार CKYC नंबर मिलने के बाद सभी वित्तीय लेन देन में इसका उपयोग किया जा सकता है। समय और मेहनत की भी बचत होती है। ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए समय और मेहनत की बचत होती है। केंद्रीकृत डाटाबेस में डाटा सुरक्षित और गोपनीय रहता है। सबसे बड़ी बात है, आपका डाटा लीक नहीं होगा। सभी वित्तीय संस्थानों में एक समान KYC प्रक्रिया होती है जिससे ग्राहकों को सुविधा होती है। CKYC नंबर को कैसे जनरेट किया जाता है, यानी कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपको पता होना जरूरी है कि CKYC नंबर को कैसे जनरेट किया जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी जब कस्टमर की पॉलिसी करने जाएंगे तो आपको भी CKYC नंबर जनरेट करना होगा। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप सीधे सीधे गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए CKYC। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने CKYC की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.ckyc.india.in ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू योर CKYC कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे बटन दिखाई देगा नेक्स्ट, उस नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP सबमिट करना है। उसके बाद जो आपके पास नंबर आएगा उस नंबर को CKYC नंबर को अपडेट करना होगा। दूसरा आपको क्या करना होगा, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपका नंबर आधार में लिंक है, उस नंबर से 7799022129, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 7799022129 पर एक मिस कॉल करनी होगी। फिर आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा जिस पर क्लिक करके आप CKYC डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पासवर्ड DDMMYYYY होगा, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1980 है तो आपको 10021980 सबमिट करना होगा उसको ओपन करने के लिए, यानी कि DDMMYYYY इसका पासवर्ड होगा। तीसरा तरीका है, अगर इन दोनों तरीकों से काम नहीं हो रहा है या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप www.licindia.in पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फोटो ID प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको आपको प्रपोजल फॉर्म में फिल करना होगा। तो दोस्तों ये तरीका था CKYC के बारे में। क्योंकि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, अभी आपने देखा है 16 अक्टूबर से CKYC सभी के लिए मैंडेटरी हो चुका है। आप भी कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर की CKYC आप जरूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि किस तरीके से आप CKYC कर सकते हैं अपने कस्टमर की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी फाइनेंशियल कंसल्टेंट यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ रही है कि सर हमें कस्टमर नहीं मिल रहे, हम किस तरीके से ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे। LIC अपने एजेंट्स को डिजिटली लेकर आना चाहती है। LIC चाहती है कि उसके सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी पॉलिसी लॉगिन करें, लेकिन जब आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो किस तरीके से आप ऑनलाइन पॉलिसी करेंगे। तो इसके लिए हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपनी एप्लीकेशन से, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां पर जाकर सर्च करना होगा मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिए तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे।
लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। आप उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें हम आपको चार पॉइंट्स कवर कराएंगे। पहला, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप ऑनलाइन कस्टमर नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वेबसाइट बनाना हम आपको सिखाएंगे। दूसरा, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा, तो आप अपने आप में एक ब्रांड भी बन सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने शहर में कस्टमर भी ढूंढ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपने पूरे करें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं या फिर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का रिप्लाई करूं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट में से एक कमेंट लेकर उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।